एक बार फिर नई सुबह देखने योग्य बनाने वाले परमेश्वर को सारी महिमा मिले। आज सुबह परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो है मती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 17वां वचन। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अनुग्रहित वचन को आधार मानकर प्रेम के वचन बोलने वाले बने। विषय पर आइए हम मनन करें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 18वां वचन। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर कर्म और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हमारा प्रेम केवल शब्दों में सीमित ना रहे बल्कि हमारे कर्म में भी प्रकट होने पाए। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कर्म के द्वारा जो प्रेम प्रदर्शित किया जाए वह शब्दों से प्रकट ना करें। हमारे आज के आधार वचन की ओर मनन करें तो वहाँ यह लिखा है कि और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिता का पुत्र से प्रेम कई कामों के द्वारा प्रकट हो रहा है, साथ ही साथ शब्दों के द्वारा भी प्रकट हो रहा है। कर्म के द्वारा जो प्रेम प्रकट हुआ वो शब्दों के द्वारा भी पिता ने घोषित किया। मेरे प्रियो, मेरे बोलने का उद्देश्य यह है कि हम कई बार यही सोचते हैं, प्रेम केवल दिल में होना चाहिए, प्रेम केवल कर्म में होना चाहिए। सही बात है, लेकिन हमें यह भी समझना आवश्यक है कि जो प्रेम दिल में है और जो हमारे कर्म में है वो सच्चे और ईमानदार शब्दों से प्रकट करना भी अति आवश्यक है। हमने ये सुना और देखा भी होगा कि हमारे कई प्रियजनों की अंतिम यात्रा में उस मृतक शरीर के सामने खड़े होकर अनेक जन प्रेमपूर्वक भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं। मृत्यु के बाद सुनने और देखने में असमर्थ अवस्था में नहीं बल्कि अच्छा होगा उसके जीवित रहते उनको अपना प्रेम प्रकट करें। कितने मसीही परिवार हैं जहां माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं। किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? उनका जवाब होगा, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन असलियत में अगर हम उनके भवन के भीतर देखेंगे कि पति पत्नी और बच्चे और माता पिता के बीच में प्रेम पूर्वक कोई बातचीत ही नहीं है। हमारे आत्मिक सभाओं में यह देखने को मिलेगा कि कितने ही लोग बिना किसी स्वार्थ के कई वर्षों से ईश्वरीय सेवकाई कर रहे हैं लेकिन उनके इस कार्य के लिए कोई अंगीकार नहीं करता। प्रेम पूर्वक धन्यवाद के शब्द बोलने के लिए हम में से कोई कोशिश नहीं करता है। कई परिवारों में और आत्मिक सभाओं में एकत्रित होने पर आपस में वार्तालाप करने में असफल हैं। कितनी दुखद परिस्थिति है यह। मेरे प्रियो, हमारे परिवार में, सभाओं में, हमारे काम करने की जगह में हम क्रिस्त यीशु का प्रेम आपस में बांटने वाले बने। प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलें, प्रेम पूर्वक शब्दों का उपयोग करें, दिल में खटास पैदा करने वाले शब्दों का उपयोग ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा परिवार, हमारी सभा और हमारा सामाजिक जीवन हमारे समाज में एक बड़े बदलाव का कारण होगा। जीवन में कई ऐसे बदलाव को देख सकेंगे। हम में से कई ऐसे हैं जो सोचते हैं प्रेम केवल कर्म में दिखाना काफी है, शब्दों में प्रकट करना आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारे पिता परमेश्वर का अपने पुत्र के प्रति प्रेम केवल कर्म के द्वारा प्रकट करना काफी होता। यहाँ यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, यह शब्द स्वर्ग से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हे प्रियो, अगर आपके हृदय में प्रेम है, उस प्रेम को आप कर्म के द्वारा प्रकट कर रहे हैं तो उसे अपने शब्दों में भी प्रकट करें। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय अगर हम पढ़ें तो उसमें प्रेरित पौलुस अनेक प्रकार के लोगों को शब्दों के द्वारा प्रेम पूर्वक उनकी प्रशंसा करते हुए देखने पाएंगे। पहले पद में कलीसिया के लिए
फेबा नामक एक बहन द्वारा किए गए काम की प्रशंसा की। तीसरे और चौथे वचन में प्रिस्का और अकीला के ईश्वरीय सेवकाई में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने के लिए प्रशंसा की है। छठवें वचन में मरियम के परिश्रम की सराहना की। इसी प्रकार अंद्रिनिकुस, यूनियास, अपिलोस, त्रुफेमा और त्रुफोसा और पिर्सिस, रूफुस और गायुस जैसे कई और सेवकों को अपने अच्छे शब्दों से प्रेम प्रकट किया है। इसीलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आपके जीवन और कर्म में प्रेम है तो उसे शब्दों में भी प्रकट करना सीखें। पिता परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष दे। जय मसीह की।